मेरा नाम सुष्मांजलि है, मैं बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मेरा टॉपिक विपक्ष में है, सत्ता के विपक्ष और सरकार के प्रति उसके पक्ष में मैं बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे स्वच्छता के बारे में बोलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास अभी भी कितना सारा कचरा है, करके लोग अभी देखते हैं तो कितना सारा कचरा हो रहा है। कोरोना वायरस जैसे अभी जस्ट ये बोलते हैं कि जस्ट चुनाव आता है और फिर कोरोना खत्म हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जस्ट एग्जाम आता है और कोविड जो है वो चला जाता है। और अभी भी कई लोग सोचते होंगे कि एग्जाम आए कोरोना चला जाएगा, कोरोना वापस आ जाए इंडिया में करके। तो ये क्यों नहीं सोचते कि कोरोना आया कैसे है, वो भी तो एक वायरस है ना। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इस हिसाब से बोल रही हूँ कि कोविड जो है वो इन्हीं सब प्रदूषणों के कारण से हुआ है। सरकार समय समय पे बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम जो है वो पारित करते रहती है, लागू करते रहती है, लेकिन क्या ये सब चीज हम लोग फॉलो करते हैं? मैं इसके विपक्ष में बोल रही हूँ। तो समय समय पे हम लोग देखते हैं कि कानून पारित हो रहा है, सरकार एक जड़ के जैसे है। अब एक पेड़ को पूरी तरीके से फलने फूलने में सिर्फ पत्तियां की वस्तु नहीं होती, जड़ें भी महत्वपूर्ण होती है। तो क्या सरकार इस चीज पे इतना फोकस करती है? बाकी सब लोग ऐसे बोलते हैं कि शौचालय वगैरह का निर्माण हो रहा है, तो क्या शौचालय जो निर्माण हो रहा है सरकार इसको क्या पूरी तरीके से करवा पा रही है, इस नियम को फॉलो करवा पा रही है? ऐसे कुछ नियम तो मेरे को अभी तक दिखे नहीं है। बोल देते हैं कि सामान वगैरह खरीदो तो इतना टैक्स लगेगा, उतना टैक्स लगेगा। क्या शौचालय वगैरह के लिए ऐसा कुछ टैक्स लगाए हैं, ऐसा कुछ जुर्माना लगाए हैं? शहरों में देखो तो शौचालय वगैरह में 5 रुपये फाइन लगता है, 10 रुपये फाइन लगता है बाहर जाने के लिए भी, लेकिन इसकी स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं देता। अभी बस स्टैंड वगैरह में देखो तो वहाँ पे भी शौचालय होते हैं, जाने के लिए वहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये ऐसा फाइन लगाते हैं, लेकिन क्या उसकी स्वच्छता के लिए लगाते हैं? जाने के लिए तो लगा देते हैं, क्या जाने के लिए जुर्माना लगाना चाहिए कि उसकी स्वच्छता के लिए लगाना चाहिए? वहाँ पे आसपास में जो गंदगी करते हैं उसके लिए भी तो लगाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कोई लगाते ही नहीं है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार ऐसा कुछ देती नहीं है, बस इतना है कि शौचालय बनवा दिए हैं और उसका नियम फॉलो करना है, ऐसे बस ग्राम पंचायत तक करते हैं। वहाँ पे अगर महिला कमांडो वगैरह तो थोड़ा बहुत तो ध्यान दे देते हैं, उसके अलावा कुछ देते ही नहीं है। आसपास में जाके देखो सड़कों के किनारे कितना सारा कचरा वचरा फैला ही रहता है, इस चीज के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं देती है और ना ही इस पे कोई जुर्माना वगैरह लगता है। इसके अलावा कूड़ादान बनता था, लेकिन अब तो सरकार वो भी नहीं कर रही है कि कूड़ादान बनवाओ, कि ये बनवाओ वो बनवाओ, इस चीज पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस मैम, थैंक यू।